तो भाई वेलकम टू आर फाइनल डे ऑफ टीयर थ्री स्क्रिम्स। आज के जो फाइनल दो गेम होने हैं वो होंगे, पहला गेम जो आप देख सकते हो यहाँ पे मीरामार में चल रहा है, एंड जे फोर डब्ल्यू इनसेन का यहाँ पे हमें प्लेन देखने को मिल रहा है। एंड जे फोर डब्ल्यू जोकर का भी नाम आया हुआ है नीचे पे। तो प्लेन बात हम देखते हैं जो कि ला कुब्रेरिया से होकर लॉस लियोनिस की पहाड़ियों की तरफ जा रहा है, एंड एक टीम जो है वो ऑलरेडी ड्रॉप ले चुकी है यहाँ पे। स्कार विदुर की जो टीम आपको देख सक दिख रही है, टीम नंबर 8 आई बिलीव, उन्होंने ड्रॉप ले लिया है यहाँ पे। एंड ओबिटो एंड टीम नंबर 6 भी है जो ड्रॉप ले चुकी है, एंड हसियंडा दिल पेट्रोन की तरफ जा रही है, एंड सीवाईबी की भी जो टीम्स हैं वो ड्रॉप ले चुकी है। तो भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इस गेम में कि जो ग्रुप है जहाँ पे ये टीम लीड्स जो कि टीम के जो लीडर्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है, वहाँ पे आज काफ़ी चैलेंजेस फायर हुए हैं एक दूसरे पे। तो भाई आज के जो दो गेम होंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। स्ट्रीम नहीं चल रही क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इश्यूज हो रहा है, तो मैं इस गेम को रिकॉर्ड करूँगा एंड देन आई विल अपलोड इट फॉर यू गाइज ऑन द चैनल। यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट। आपको अगर अपना गेम प्ले देखना है और फाइनल्स आपको देखना है किसने जीता है तो वो आप देख सकते हो। गेम 8 तक का पॉइंट्स टेबल जो है वो बनकर रेडी है। तो यहाँ पे टीम नंबर 6 पे हमारा कैमरा आता हुआ गाड़ियों पे उतरे हैं, आई बिलीव बस मुझे एक दिख रही है वहाँ पे, एंड लेट्स सी। यहाँ वॉर रेडी पे हमारा कैमरा स्विच होता हुआ आप देख सकते हो। यहाँ पे नेटवर्क का इतना इशू है कि गेम जो है वो बहुत बुरी तरह से लैग हो रहा है। रिव टॉक्सिक को यहाँ पे नॉक कर दिया, जो कि रेवोल्यूशन जो कि एक अच्छी टीम है, यहाँ पे रिव टॉक्सिक को यहाँ पे वर्टेक्स जेनेट वर्टेक्स ने ख़त्म कर दिया भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीम नंबर 10, टीम नंबर 19, टीम नंबर 17 सब यहीं पे आसपास उतरी हुई है। यहाँ पे वी हैव टू सी द ड्रोन, भी ड्रोन में यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। जेनेट वर्टेक्स पे यहाँ पे वो गेम अटका हुआ है, वॉल्टन को यहाँ पे डाउन कर दिया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्टन यहाँ पे जो है वो डाउन हो चुके हैं, एंड प्रोग्नब को भी यहाँ पे डाउन कर दिया। तो यहाँ भाई पिंग का इशू आप देख सकते हो, यहाँ पे 320 हो रखी है मेरी पिंग, ऊपर नीचे हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी टी आर सेटन ने यहाँ पे जेनेट नूब एंड जेनेट वॉल्टन दोनों को फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पे जो है जेनेट की टीम वॉर्टेक्स सिर्फ बचे हैं और वो यहाँ से फॉल बैक करेंगे, आई बिलीव उनको ऐसा ही करना चाहिए। तो यहाँ पे वॉर्टेक्स के पास एक किल तो है, बट ही विल हैव टू फॉल बैक नाउ, इनके पास एक भी हीलिंग नहीं है, एंड ही हैज़ जस्ट एन ए के एम आर। उन्होंने जेनेट की जो थ्री मैन टीम आई थी उनको डी एम आर हेडशॉट यहाँ पे अकेले टीम 17 में क्यों है पता नहीं, कपड़े तक उतार दिया इन्होंने। तो ये तो यहाँ से निकल लेंगे भाई क्योंकि इनको यहाँ पे फाइट लेनी नहीं है। पिस्टल दिख रही है इन पे, डेजर्ट ईगल दिख रही है बस। तो सर्कल जो भाई कटा है वो ला कुब्रेरिया एंड एल्पोजो को सेंटर में लेकर बना है। तो आप देख सकते हो हार्डली 5 से 6 टीम है जो कि सेंटर में है, और वो भी दैट टू मेजॉरिटी ऑफ देम इज़ लाइक ऑन द एजेस ऑफ द सर्कल। सो एवरीबडी एल्स विल हैव टू रोटेट टू द सर्कल। एल अजहार में यहाँ पे टीम 6 लूटती हुई, कोई कंपटीशन देने वाला नहीं है, इजी लूट मिलेगी, अच्छी लूट मिलेगी। और यहाँ पे टीम नंबर 11 पे हम शॉट यहाँ पे खलीफा ने डाउन किया स्कार परम को, तो यहाँ परम डाउन हो गए, इनके पास शॉटगन थी बट अब जो है यहाँ पे आई थिंक परम कन्फर्म हो जाएंगे। यस यहाँ पे गब्बर सिंह ने स्कार परम को शॉटगन से कन्फर्म कर दिया है। तो यहाँ पे मॉन्स्टर्स और यहाँ पे ए डब्ल्यू एम दीपक को आप देख सकते हो, यहाँ पे लूट है ही नहीं, इन पे कुछ भी नहीं है फाइट लेने के लिए, और ये फॉल बैक हो रहे हैं सिटी की ओर। और मॉन्स्टर एक्सप्लॉर्ट की जो टीम है वो इनके पीछे पड़ी हुई है। विदुर को देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ हेलमेट है और आई थिंक दैट्स द शॉटगन और विंचेस्टर, आई थिंक इट्स एन विंचेस्टर, ये भी फॉल बैक कर रहे हैं। एंड सिनिस्ट्रो को भी हम देखते हैं, इनके पास एक गन तो दिख रही है, इट्स थॉम्सन एंड ऊजी। तो मॉन्स्टर्स ने इनको यहाँ से भगा दिया है, सॉरी बीस्ट यहाँ पे गौतम, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे डबल खलीफा गब्बर सिंह एक किल निकाल चुकी है ये टीम यहाँ पे। तो विच इज़ ये आई थिंक कैंपो मिलिटार जाएंगे एंड वहाँ से लूटेंगे। तो लेट्स सी टीम नंबर 11 के लिए अभी कुछ खास मुश्किल होगी नहीं क्योंकि एक बंदा मरा है। दे कैन रोटेट टू द जोन और कंपाउंड्स एंड लूट अप एंड मूव टू द जोन इन ला कुब्रेरिया। लॉस लियोनिस में जो है वो भाई यहाँ पे हमें फाइट देखने लायक हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी टीम्स उतरी हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे सी वाई बी की हम टीम देख सकते हैं। यहाँ डॉक्टर ड्रेड को यहाँ पे डाउन किया है जान बेबी ने, एंड डॉक्टर ड्रेड को यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया गया है। तो टीम 16 यहाँ पे यूकी 70 खलनायक और पिकाचू ने भाभी जी घर पर है को डाउन किया है। तो ये यहाँ पे नॉक पड़े भाभी जी घर पर, जान बेबी को एक किल मिली है। यहाँ पे डी डी पिकाचू को भी नॉक कर दिया है यहाँ पे
शुभम कुमार एसआई ने, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं यहाँ पे टीम नंबर 12 का। एक शुभम कुमार एसआई को भी डाउन कर दिया, बट यहाँ पर आया कि नहीं, मतलब खलनायक को यहाँ पर कंफर्म कर दिया जाएगा। यस, तो यहाँ पे जान बेबी अकेले अपनी टीम की जान बचा रहे हैं, एंड पिकाचू जो है वो अकेले यहाँ पे बच्चे रिवाइव नहीं हो पाएंगे। यूपी 70 भैया जी पता नहीं कहाँ पर हैं, सो भैया जी जो है वो काफ़ी दूर हैं इनसे और वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके तरफ आ जाए, बट नो यूज़, आई डोंट थिंक ये इनसे पिकाचू को जो है वो रिवाइव कर पाएंगे यहाँ पर। तो पिकाचू का यहाँ पे फिनिश होना कंफर्म है, एंड जान बेबी ने यहाँ टीम नंबर 12 जो है वो पूरी तरह से अपने पैरों पे वापस खड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे टीम नंबर 12 को यहाँ पे इजीली 2 किल्स भी मिले हैं और सब सारे के सारे बंदे अलाइव हैं, तो आई थिंक ही इज सर्चिंग फॉर पिकाचू। रोइनसिन बाग को वहाँ पर सीवा भी रिचर्ड ने डाउन किया है, तो रिचर्ड यहाँ पे 1 किल यहाँ पे रोइनसिन बाग का निकालते हुए, तो टीम नंबर 15 के खाते में भी 1 पॉइंट आता हुआ यहाँ पे। तो आप अगर देख सकते हो पॉइंट्स चलिए हम देखेंगे तो यहाँ पे एमएक्स के हाथ में एक टीम है, 1 पॉइंट है, जेनेट के पास 1 पॉइंट है, बट सोल सर्वाइवर हैं, या वी जैक्स पहले कभी नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है, तो मगदीरा ओनली इज़ दी ओनली वन हु इज़ रिमेनिंग फॉर इज टीम नंबर 9, और वो भी यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। तो 403 इज़ द फर्स्ट टीम टू गेट वाइप्ड आउट फ्रॉम द मैप, एंड CTR सेटन जो है उन्होंने 2 किल निकाल लिया यहाँ पे अपनी टीम के लिए, एंड जान बेबी ने भी 2 किल निकाला है, शुभम कुमार एसआई ने भी 1 किल निकाला है, एंड CYB रिचर्ड एंड CYB एलेक्स ने 3 किल्स अपने टीम के नाम कर लिया। यूपी 70 भैया जो कि यहाँ पे पोजीशन के लिए खेलना पड़ेगा, तो सबको हम देख सकते हैं यहाँ पे। DMR को भी टीम नंबर 10 ने जो है वो स्पॉट कर रखा है। यहाँ पे शिनिगामी को हम देखते हैं, तो यहाँ पे इनके पास भी कुछ खास लूट नहीं है, M16 एंड VSS दिख रहा है यहाँ पे। मार्कमैन को हम देख सकते हैं यहाँ पे विद आई थिंक इट्स अ शॉटगन एंड अ वेक्टर, इनके पास भी लूट के मामले में कुछ खास लूट नहीं है, बट मुंशी प्रेमचंद को देखेंगे सिर्फ उजी डैमेज ले चुके हैं, हील करने के लिए कुछ भी नहीं है। अभिषेक जी सूर्या यहाँ पे लूट तो वेस्ट एंड आर्मर के मामले में अच्छी खासी है, बट गन्स वगैरह को पता नहीं इनके पास क्या है। तो बीस्ट की स्क्वाड को भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, रबड़ा बंदा यहाँ पे हम देख सकते हैं, हेलमेट तो बड़ा इनका खतरनाक वाला है, बट ये स्पॉट करने की कोशिश यहाँ पे। तो लूट इनके पास है भाई, फर्स्ट एड भी हीलिंग्स के मामले में भी काफ़ी अच्छी लूट है, एंड बीस्ट किंग को यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, इनके पास भी अच्छी खासी लूट है। तो यहाँ पे बीस्ट स्क्वाड के पास भाई लूट के मामले में अच्छी खासी लूट पड़ी है यहाँ पे। DMR बेस्ट शॉट लिया है जेनेट वॉटेक्स पे, जो कि अकेले बचे हैं अपनी टीम के लिए, तो यहाँ पे मुश्किल हो सकती है उनके लिए, क्योंकि अगर जेनेट यहाँ पे वाइप होती है तो किल गेम में उनके लिए कमबैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वी आर 9 मिनट्स इनटू द गेम एंड 58 पीपल आर स्टिल अलाइव हियर। पिंग इश्यूज आप देख सकते हो भाई यहाँ पे, ऐसा चल रहा है गेम की क्या ही बताऊँ मैं आपको, जिसके वजह से स्ट्रीम नहीं कर पा रहा यहाँ पे। एक्चुअली इधर इलेक्ट्रिक पावर कट है, तो जिसके कारण वाईफाई एंड ऑल भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके कारण मैं स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहा और ढंग से यहाँ पे हम स्पेक्टेट भी नहीं कर पा रहे। बट टीम 4 को हम देख सकते हैं, DMR सहरोज काली काशिफ एंड रमेश जो कि फिलहाल टॉप पर है। तो DMR बेस्ट को यहाँ पे सेटन ने डाउन किया है, तो ईशान को यहाँ पे देख सकते हैं हम कि DMR बेस्ट आई थिंक कन्फर्म हो जाएंगे, उनके पास कोई चारा नहीं है, रिवाइव नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अवी एंड ईशान बचे हैं, एंड जेनेट वॉटेक्स भी इनके सामने से आई थिंक निकल गए हैं वो यहाँ से, एक गुड डिसीजन यहाँ पे वॉटेक्स का, उनको पता है कि विल हैव टू प्ले फॉर प्लेसमेंट्स, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे वो होल्ड कर रहे हैं। आई डोंट थिंक उनके पास हीलिंग का कुछ भी है यहाँ पे, तो अगर हम वॉटेक्स का एंगल देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, तो गाड़ी है इनके पास, यहाँ से निकल लेंगे, एंड दैट इज़ द स्मार्ट थिंग टू डू। अगर आपको पता है कि यहाँ आसपास बंदे हैं, आप सोल सर्वाइवर हो अपनी टीम के, तो इट्स द बेटर चॉइस कि आप वहाँ से चुपचाप निकल लो। तो यहाँ DMR अभी एंड DMR ईशान, तो यहाँ पे आई थिंक CYB की टीम ने फ्लेयर चलाई है। यस, सो देर इज़ अ फ्लेयर इन हियर, एंड प्रॉग्नर जो है आई थिंक वॉटेक्स पे शॉट्स ले रहे हैं, तो विच इज़ काइंड ऑफ अ गुड थिंग, क्योंकि मीरामार में दूर तक स्प्रेज कनेक्ट हो जाती हैं, बट नॉट दैट फार एज वेल, एंड दैट टू वैन गाय इज लाइक रनिंग फॉर हिज लाइफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेटन के पास 3 किल्स हैं ऑलरेडी, जो कि एक दिस टीम हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली गुड राइट नाउ। वॉटेक्स जो है वो निकल चुके हैं यहाँ से, जान को जाकर प्ले फॉर दैट प्लेस,
पोजीशन का रेड जोन राइट है। गब्बर सिंह भाई को यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे जो आती है टीम, आपको मैं बता दूं भाई ये जो कैंपो मिलिटार जो मीरामार का यहाँ पे लूट के मामले में भाई इस पूरे मीरामार की सब वन ऑफ द बेस्ट लूट प्लेस है ये। आपको मैं अगर आपको यकीन नहीं है आपको लूट दिखा देता हूँ। गब्बर सिंह को देख लो, लेवल 3 हेलमेट, लेवल 2 बेस्ट। फर्स्ट एड के मामले में थोड़े पीछे हैं बट गन्स एंड आर्मर के मामले में ये सारे स्टॉक होंगे। देखो आप एमएक्स डेविल को देख लो, फर्स्ट एड यहाँ पे इनके पास भी नहीं है बट लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 2 का वेस्ट। एमएक्स खलीफा को भी आप देख सकते हो यहाँ पे M24 विद लेवल 2 लूट एंड इनके पास 3 फर्स्ट एड और 15 बैंडेजेस भी हैं। एंड बीस्ट गौतम को भी आप देख सकते हो लेवल 3 हेलमेट एंड लेवल 2 वेस्ट विद 2 फर्स्ट एड। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे लूट बहुत अच्छी मिलती है, लेवल 3 लूट आपको ईजिली मिल जाएगी पूरे स्क्वाड को। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो एक और अच्छी जगह है अल अजहार, जो कि इस मैप की काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है लूट के मामले में, वो भी तो हम देख सकते हैं यहाँ पे राडो लेकर रोटेट करने की कोशिश है। यहाँ पे वॉर्ड अडी पे भी 4 फर्स्ट एड विद लेवल 2 लूट कार। सौरभ को भी देखते हैं लेवल 2 लूट विद 5 फर्स्ट एड्स एंड 1 मेडिकेट एंड 1 बूस्ट। एंड ग्रिजली को भी हम देख सकते हैं यहाँ पे लेवल 2 लूट 8 फर्स्ट एड्स एंड 5 एडवांटेजेज एंड 5 बूस्टर्स। तो सर्वाइव करने में तो ग्रिजली आई थिंक पूरी टीम को अपनी सर्कल में ले जा सकता है, इतनी फर्स्ट एड्स इनके पास है। मुंशी प्रेमचंद को वहाँ पे स्कार रेड्डी ने डाउन किया है, क्योंकि एंड स्कार रेड्डी को मार्कमैन ने यहाँ पे डाउन किया है, स्कार मार्कमैन को स्कार 69 ने डाउन किया है। तो यहाँ पे दो जो सेम क्लाइन की जो दो टीम्स होती है उनकी फाइट हो रही है। 69 को यहाँ पे अभिषेक जी सूर्या ने डाउन कर दिया, तो दो दो का नॉक सारों दोनों साइड से हो चुका है। विकास जो है वो सामने से फ्लैंक कर रहे हैं, अभिषेक जी सूर्या को वूफी ने डाउन कर दिया, विकास ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। तो यहाँ पे एक स्क्वाड वाइप होती हुई जो कि लॉस्ट लेजेंड्स की जो स्क्वाड है वो हमारी सेकंड स्क्वाड होगी यहाँ से वाइप होती हुई। तो यहाँ पे 69 एंड रेड्डी को रिवाइव मिल जाएगा और यहाँ पे क्रेटोस को गाड़ी से उड़ा दिया है। एंड पहला फ्लेट ड्रॉप जो हमारा आता हुआ, दूसरा फ्लेट ड्रॉप जो इस गन का आया हुआ है मेरे गेम में, ऑलरेडी लूटा जा चुका है। हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी गन मिली है। वी कैन सी एन M249 यहाँ पे पूरा बॉर्डर की तरह बिल्कुल लेट गए हैं। एंड रेट वहाँ पे DMR पे शॉट्स लेने की कोशिश है, तभी ये प्रोन होकर यहाँ पे गोलियाँ चला रहे हैं। एंड वी कैन सी दैट मिस्टर खान एंड DMR मिस्टर खान को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी यहाँ DMR काली की तरफ से भी शॉट्स आ रहे हैं जिनको काफ़ी डैमेज पड़ा है यहाँ पे। आई थिंक ये गाड़ी जो लग जाती है। तो स्कार 69 वापस से नॉक हो गए भाई यहाँ पे एंड दे आर सो फार अवे फ्रॉम द जोन। यहाँ पे विकास को आप देख सकते हो मेडिकेट लगा रहे हैं, 69 कंफर्म हो चुके हैं तो उनको बचा नहीं पाए यहाँ पे। तो स्कार वूफी रेड्डी एंड विकास को अब यहाँ से पूरा। तो शुभम यहाँ पे कुमार SI जो UP70 की टीम थी आई थिंक वो कंफर्म हो गए हैं यहाँ पे। जान बेबी को भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया। एयरड्रॉप 3 हमारा दिखता हुआ यहाँ पे सिर्फ एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ उस पर दिख रहा है, किसी ने लूट लिया इनको यहाँ पे। तो टीम नंबर 3 इज़ रोटेटिंग फ्रॉम हेयर, सो आई थिंक दैट वॉज टीम नंबर 3 जिन्होंने इसको लूटा है। तो हम देख सकते हैं J4W, एक तो ये स्क्वाड इतनी खतरनाक खेलती है, ऊपर से अगर इनको एक लूट मिल जाए। DMR ईशान को वहाँ पे डाउन कर दिया, जायरोगार्ड ने रेजर मानिक को डाउन किया यहाँ पे। तो यहाँ ड्रॉप पे फाइट चल रही है एंड जायरोगार्ड को यहाँ पे रेव जायरोगार्ड को नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है यहाँ पे। तो रेवोल्यूशन के लिए जो है वो ट्रबल्स जो है वो बढ़ चुकी है यहाँ पे, अभी भी यहाँ वाइप हो जाएंगे यहाँ पे। प्रोग्नब जो है जो कि लीडिंग किल टेकर है अपने टीम के लिए, यहाँ पे उन्होंने एक और किल अपने नाम पे कर लिया है। यहाँ पे CYB एलेक्स को भी प्रोग्नब ने डाउन किया है, सेटन एंड प्रोग्नब को। यहाँ पे हमें एक तगड़ा गेम प्ले देखने को मिल रहा है, 3 किल हैं सेटन के पास। इन्होंने आई थिंक एडवर्ड को भी स्पॉट कर रखा है एंड ही विल टेक अ शॉट यहाँ। एडवर्ड को भी काफ़ी शॉट्स पड़े थे बट यहाँ पे टीम नंबर 10 जो है वो पुश करने की कोशिश कर रही है, आप देख सकते हो। प्रोग्नब पे भी हम 5 किल ले चुकी है बट पोजीशन के लिए अब इनको खेलना चाहिए क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 5 किल्स हैं, दे शुड गो फॉर दैट प्लेसिंग पॉइंट। तो आई थिंक यहाँ पे मुश्किल होने वाली है। प्रोग्नब का एक अच्छा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी प्रोग्नब के लिए, क्योंकि हमें पता था, सेटन को भी कंफर्म कर दिया गया है, आप एक अच्छे असॉल्टर हो बट आपको एक पोजीशन के लिए यहाँ पे खेलने चाहिए। किल्स लेने आए थे एलेक्स का यहाँ पे, यस ही हैज़ कन्फर्म्ड इन। तो टीम नंबर 6 यहाँ पे, टीम नंबर 15 का पहला बंदा जो था वो कन्फर्म हो चुका है, ऑप्टिमस रिचर्ड एंड एडवर्ड के लिए सिर्फ प्रोग्नब पे हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि कल इस क्लैन ने हमें जो है
एक बहुत ही रिमेम्बर वाली करने वाली परफॉर्मेंस दी थी रेवोल्यूशन क्लैन ने। और ये बंदा जो है प्रोग्नाव अपनी टीम का सबसे लीडिंग है, किल टेकर है, तो इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सर्कल भी पुश करने वाला है, 300 मीटर हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोग्नाव आई थिंक अकेले फिर से वापस पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनके पास एक आई थिंक M4 एंड देर इज़ अ गन, उसमें मैं स्टॉक लगा हुआ देख सकता हूँ, नॉट श्योर ये कौन सा गन है, बट वी कैन सी ही इज़ नॉट बैकिंग अप, ही इज़ नॉट गोइंग टू गो आउट विदाउट अ फाइट हियर गाइज। तो यहाँ पे प्रोग्नब का हम देख सकते हैं पूरी पूरी फाइट लेने के इंटेंशंस, और यहाँ पे सी वाई वी रिचर्ड्स ने प्रोग्नब को भी कन्फर्म कर दिया है। तो 14th प्लेस पे जाती है टीम रेवोल्यूशन 6 किल्स के साथ। तो यहाँ पे प्रोग्नब को एक्चुअली फॉल बैक करना चाहिए था, बट यहाँ पे डीएमआर सहरोज की तरफ से भी फाइट्स आते हुए हमें दिख रहे हैं, शॉट्स आते हुए, हम उनकी तरफ चलेंगे। और भाई आई एम रियली सॉरी यार, अगर ये आपको दिख रहा है मैच सर्वर टाइम्ड आउट, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सी वाई बी रिचर्ड यहाँ पे हील करते हुए, जो कि अभी अभी उन्होंने स्क्वाड को वाइप किया है, तो लूट के मामले में तो 3 फर्स्ट एड है, बूस्टर्स भी एक है इनके पास, तो आई थिंक ही विल मेक इट टू द टीम 17। M4 का वो रेंज जो है वो इफेक्टिव रेंज है, तो अगर ये पुश करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। टीम को ले चुकी है ये टीम, हम देख सकते हैं यहाँ पे GLX आरिफ जो है वो पीछे हैं। तो सर्कल की ओर अगर हम देखें भाई, तो टीम नंबर 11 के कंपटीशन में कोई कम्पीट करने वाला वहाँ पे नहीं है। टीम नंबर 5 जो कि MX की टीम है, गब्बर सिंह, यहाँ पे रोटेट होकर सर्कल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे MX खलीफा को बीस्ट किंग ने डाउन किया है, तो हम चलेंगे यहाँ पे बीस्ट विक्की की ओर। खलीफा को यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है, MX के लिए यहाँ पे मुसीबत जो है वो बढ़ चुकी है, बीस्ट की जो टीम है उन पर भारी पड़ रही है। यहाँ पे हर्ष को हम देख सकते हैं, यहाँ पे किंग ने यहाँ पे गनमैन को डाउन किया है, बीस्ट गौतम को, और यहाँ पे MX डेविल की भी हेल्थ जो है वो बहुत कम है, तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। ऑप्टिमस ने GLX आरिफ को यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, चली गई है, डेविल को भी यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। तो MX के लिए मुसीबत जो है वो बढ़ चुकी है, यहाँ पे बीस्ट गौतम, तो टीम MX यहाँ पे CYB ऑप्टिमस को नॉक किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं UP70 भैया जी अकेले अपने टीम को कैरी कर रहे हैं, यहाँ पे सर्कल से 100 मीटर्स दूर हैं, बट इनको लेफ्ट से शॉट सुनाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे भैया जी आयरन साइट लेकर IKM का कोशिश कर रहे हैं। तो गब्बर सिंह जो है जो कि फॉल बैक किया, CYB एडवर्ड ने यहाँ पे गेम और उत्कर्ष को डाउन किया, तो गब्बर सिंह यहाँ पे रोटेट हो जाएंगे पीछे से बिल्कुल सर्कल की ओर। तो यहाँ पे जो है अब फाइट जो ऑल हेल हैज़ ब्रोकन लूज, यहाँ पे डीएमआर उत्कर्ष को भी यहाँ पे वाइप कर दिया है, तो टीम किल 7 ले चुकी है CYB एडवर्ड, ऑप्टिमस को रिवाइव मिल जाएगा, एंड DMR हेडशॉट वगैरह को आप वहाँ से स्पॉट कर सकते हो, बट इनको 800 मीटर्स इनटू द जोन जाना है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं जो कि टीम्स जो है वो काफ़ी कॉर्नर में आ चुकी है सर्कल्स की। तो जो अभी टीम सबसे ज़्यादा एडवांटेज में वो है टीम नंबर 11, जो कि 3-man स्क्वाड है। यहाँ पे आप देख सकते हो विदुर एंड सुधा दीपक भी इनके जस्ट पीछे ही हैं, तो इन लोगों को रोटेशन में कोई मुश्किल नहीं होने वाली, ये आराम से सर्कल में मूव कर जाएंगे। और सेम तो यहाँ पे विकास के शॉट्स आते हुए, विकास शॉट्स ले रहे हैं एक्चुअली कार 90 है बिल्कुल एडवर्ड एंड ऑप्टिमस, बट यहाँ पे जो बॉक्स ग्लिच होता है, यहाँ पे मेरा मार का रिज ग्लिच जो होता है वो हो रहा है, आप देख सकते हो उनकी स्नाइपिंग अच्छी है, बट दो साइड से यहाँ पे फाइट लेना भारी पड़ सकता है टीम नंबर 18 को, क्योंकि वूफी पे आई थिंक शॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो साइड से फाइट्स नहीं लेनी चाहिए, आपके पास टीम किल्स है, यू शुड गो फॉर प्लेसमेंट, एंड वूफी इज़ नॉट बैकिंग आउट फ्रॉम द फाइट। रेड्डी जो है वो आई थिंक ही इज़ मूविंग टू द जोन, नो ही इज़ कमिंग टू गिव बैकअप टू हिज टीम। और यहाँ पे जो वूफी का एंगल हो सकता है, रेड्डी का जो एंगल हो सकता है, वो DMR के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर इनके पास एक इनके पास एक स्नाइपर है, तो वो लेफ्ट में देखने की कोशिश करेंगे और स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक दे हैव ही हैज स्पॉटेड देम, बट इनको एंगल नहीं मिल रहा रिज के कारण, बिल्कुल भी एंगल नहीं मिल रहा। और यहाँ से रोटेट करना अब इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बाइक से रोटेट हो रहा है, और एक स्प्रे अगर ढंग का लग गया तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंड ही हैज़ टू पिक वन अप एंड गो टू द जोन, बिकॉज जोन जो है वो अब क्लोज होने वाला है। वी आर 20 मिनट्स इनटू द गेम, अब जो जोन देगा वो बहुत ज़्यादा डैमेज देगा। आप देख सकते हो इनके पास सिर्फ एक फर्स्ट एड है और 8 बैंडेजेस हैं, तो किसी एक को ये लेकर ज़रूर सर्कल में मूव करेंगे। विकास जो है वो मूव कर रहे हैं सर्कल में, यूफी आई थिंक यू विल हैव टू स्टे बैक हियर बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, एवरी टीम इज़ रोटेटिंग टू द जोन राइट नाउ।
यहाँ पे एयर ड्रॉप नंबर 4 जो कि गिरा हुआ है हम देखते हैं, इसमें M249 विद लेवल 3 गियर, बट इसके लूटने वाला कोई नहीं है। एंड ड्रॉप नंबर 5 पे भी हम देख सकते हैं अभी अभी आई है एंड इसको टीम ने लूट भी लिया। AWM यहाँ पे मीरामार में AWM मिलना, DM बटालियन सर्वर को जैसे टीम जो ऑलरेडी लीड कर रही है, वॉटेक्स अभी तक जो कि अलाइव है आई थिंक उनके लिए यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। अब तो वूफी रुक गए हैं यहाँ पे, एनर्जी ड्रिंक यहाँ पे ले रहे हैं एंड डीएमआर काशिफ को हम देखेंगे यहाँ पे जो कि वॉटेक्स पे शॉट्स ले रहे थे। यहाँ पे काली को भी हम देख सकते हैं, सहरोज को भी हम देख सकते हैं, रमीश जो कि कार को चला रहे हैं वॉटेक्स पे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक शॉट अगर कनेक्ट हो जा रहा है, इनको कॉल दिया जा रहा है बट वॉटेक्स जो है वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि उनको रिज का एक पूरा कवर मिला हुआ है। यहाँ से नहीं हिलेंगे, रादर देन गिविंग हिज किल टू समबडी ही विल ट्राई टू गेट डाउन टू द जोन अगर इनको जाना पड़े तो। दो फर्स्ट एड है, 4 बैंडेजेस और 2 बूस्टर्स भी हैं तो सर्वाइवल के मामले में ये फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सर्वाइव कर सकते हैं। एंड आई थिंक टीम DMR जो है उनको वो रिज वाला ग्लिच जो होता है उसके कारण जेनेट वोटेक्स दिखाई दे रहे हैं बट द शॉट्स आर नॉट कनेक्टिंग बिकॉज ही इज सिटिंग बिहाइंड दिस रॉक एज वी कैन से। तो टीम नंबर 6 को भी हम देखते हैं पूरा होल्ड गेम खेल रही है टीम नंबर 6 विच इज़ अ गुड थिंग कि आपको यहाँ पे ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्पाइक कमांडो जो है वो एटेक्स का यहाँ पे कार रहे हैं यूज करने की कोशिश है, M249 तो जॉ ब्रेकर की जो टीम है टूर्नामेंट में लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे कंटिन्यूस स्प्रे ले रही है यहाँ पे टीम नंबर 4 पे एंड स्पाइक कमांडो को हम देख सकते हैं 2 किल्स ले चुके हैं एंड कार 98 का यहाँ पे एक चांटा देने की कोशिश है। यहाँ पे इनसेन को भी हम देखेंगे, M4 लेवल 3 लूट, जोकर लेवल 3, वेस्ट लेवल 2 हेलमेट एंड गनमैन लेवल 3 फुल। तो भाई जॉब ब्रेकर्स पूरी तरह से बिल्कुल स्टैक्ड है लूट के मामले में। डीएमआर रमेश को भी हम देख सकते हैं AWM उठाया बट एक मेडिकेटर से फिर 5 बैंडेजेस विद 4x तो। एंड काशिफ को भी देख सकते काफ़ी डैमेज पड़ा है बट एक बैंडेज है एंड एक बूस्टर है तो आई थिंक हेल बी गुड विद दिस हेल्थ। यहाँ पे UP70 भैया को कन्फर्म कर दिया गया, स्कार रेड्डी को नया टीम भाई एडवर्ड ने नॉक किया है। स्कार रेड्डी की टीम आई थिंक दैट इज वॉज दी रिचर्ड ने यहाँ पे 7 किल तो CYB इस बारी दे हैव कम बैक स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे रेड्डी को कन्फर्म कर दिया है एडवर्ड ने तो हम चेंज करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देखेंगे एडवर्ड जो है उन्होंने कन्फर्म कर दिया है यहाँ पे तो 7 किल ले चुकी है एडवर्ड यहाँ पे जो कि CYB की टीम है। 3-3-2 की यहाँ पे लूट आप देख सकते हो तो AWM दीपक यहाँ पे ये टीम जो है जो कि काफ़ी सर्कल इनका फेवर कर रहा है, इनको अभी भी अगर ये रोटेट करते हैं तो इनको कोई भी कंपटीशन नहीं मिलने वाला रोटेशन काटने के लिए। गब्बर सिंह जो है वो बिल्कुल कॉर्नर होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी टीम को पोजिशन पॉइंट्स दिला रहे हैं यहाँ पे विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी क्रूशियल एट दिस स्टेज। तो टीम नंबर 6 जो है वो बीस्ट के यहाँ पे आई थिंक टीम नंबर 6 के लिए मुश्किल होगी क्योंकि बीस्ट की स्क्वाड जो है राइट में इनका वेट कर रही होगी पहाड़ी के ऊपर और ग्रिजली जहाँ पर जा रहे हैं ओबिटो पूरी की पूरी स्क्वाड है आई थिंक यहाँ पे बीस्ट के लिए पूरा किल फॉर द टेकिंग है यहाँ पे आई थिंक। बट येस क्रेज आना शुरू हो गया है बट आई थिंक दे वर लेट टू लेट। हम यहाँ पे टीम चेंज करके देखेंगे कि इन पे अभी शॉट्स आ रहे हैं, वॉर्ड एडी को काफ़ी शॉट्स कनेक्ट हुए हैं एंड देख सकते हैं ही इज़ हीलिंग अप राइट नाउ। ओबिटो एंड ग्रिजली जो है वो निकल चुके हैं बट सौरभ एंड वॉर्ड एडी पे अभी भी कंटिन्यूसली शॉट्स आ रहे हैं तो फॉर द टाइम बीइंग दे आर सेफ। दे हैव फॉलन बैक यहाँ पे बीस्ट की स्क्वाड जो कि कंटिन्यूसली स्प्रे ले रही थी। हम देख सकते हैं यहाँ पे बीस्ट किंग, बीस्ट हर्ष, बीस्ट विकी यहाँ पे होल्ड करा हुआ है एज बिल्कुल एंड टीम नंबर 6 का अच्छा रोटेशन यहाँ पे जो पहाड़ी पे होल्ड कर रहे हैं। बट गब्बर सिंह के लिए यहाँ पे 4 किल हो सकते हैं अगर वो अच्छे से खेल जाएं तो। आई डोंट थिंक इन्होंने स्पॉट कर लिया है शायद, येस इन्होंने आई थिंक वो रिजर्स पे बंदे स्पॉट कर लिए हैं बट आई एम नॉट श्योर। वहाँ पे ऑप्टिमस ने रिजर मानिक को कार 98 से डाउन किया है तो गब्बर सिंह को यहाँ पे टीम नंबर एंटायर DMR काली को यहाँ पे गनमैन ने डाउन किया तो जॉब ब्रेकर्स और DMR जो कि टॉप 2 टीम्स हैं हमारे इस टूर्नामेंट की उनके बीच में यहाँ पे फाइट हो गया। DMR रमेश को यहाँ पे गनमैन ने डाउन किया तो DMR के 2 बंदे डाउन हो चुके हैं एंड CYB ऑप्टिमस को मिस्टर खान ने डाउन किया है यहाँ पे एंड डेडली ट्रॉय को यहाँ पे एडवर्ड ने डाउन किया तो CYB जो कि 7 किल ले चुकी थी उनकी तरफ भी हम चलेंगे। CYB ऑप्टिमस को भी कंफर्म कर दिया गया तो एडवर्ड यहाँ पे अकेले फॉल बैक कर रहे हैं सर्कल के बाहर तो आया एडवर्ड यहाँ पे जोन से नॉक हो गया क्योंकि हेल्थ इतनी कम हो गई थी तो रिचर्ड हैज़ नो चॉइस बट टू मूव टू द जोन। यहाँ पे उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, लेवल 3 टू लूट तो है बट ही विल हैव टू मूव टू द जोन राइट नाउ। DMR रमेश भी जो है वो प्लेसमेंट से नॉक हो गए हैं क्योंकि फिफ्थ प्लेजर है यहाँ पे तो ही विल हैव टू रोटेट। रिचर्ड जो रोटेट करेंगे वो टीम नंबर 11 के पास जा सकते हैं बट गाड़ी जो इनकी क्रैश हो गई है एंड ही इज़ टेकिंग ह्यूज डैमेज। यहाँ पे सर्कल जो है वो अब और भी छोटा हो चुका है तो डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एडवर्ड भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, बाइक इनकी अटक गई है तो दिस वॉज बैड लक फॉर
स्कार वूफी जो है वो सर्कल से मर गए, डीएमआर रमेश भी जो सर्कल से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि फाइट जो है यहाँ पे डीएमआर काली सर्कल से नॉक हो गए, सहरोज को भी डाउन कर दिया गया, काशिप अकेले बचे हैं यहाँ पे अपनी टीम के लिए। तो टीम नंबर फोर के लिए यहाँ पे मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है। स्पाई कमांडो को यहाँ पे काशिफ ने कंफर्म कर दिया है, तो डीएमआर काली को मे भी यहाँ पे नो, यहाँ पे वो प्ले जोन से खत्म हो जाएंगे। शहरोज को यहाँ पे आई थिंक रिवाइव मिल जाएगा। यस, डीएमआर काशिफ एंड डीएमआर शहरोज यहाँ पे सामने स्मोक करने की कोशिश है, बट आई डोंट थिंक जॉब ब्रेकर यहाँ पे चांस दे देते हैं। उनको पता है कि उनके पास एडवांटेज है, वो हाइट होल्ड करके बैठे हैं। तो टीम नंबर एट जो कि सी आई वी फैंटम रिचर्ड वहाँ पे डाउन किया है, जॉब ब्रेकर्स को यहाँ पे डाउन किया, और जॉब ब्रेकर्स की गेम मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो दो साइड से फाइट ले रहे हैं, उनको एक पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे सैरोस को भी यहाँ पे गनमैन ने कंफर्म कर दिया, तो JFW गनमैन यहाँ पे पूरी डीएमआर के टीम को मार चुके हैं। तो जॉब ब्रेकर्स के पास रिवाइव देने का टाइम है और 6 किल्स भी हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 30 सेकेंड्स है, उनको सर्कल में मूव करना पड़ेगा। एंड एयर ड्रॉप नंबर 6 जो कि यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, पता नहीं शायद किसी ने लूटा नहीं है, M249 विद अ 6 सेक। तो यहाँ पे बीस्ट विकी को हम देख सकते हैं, शॉट्स ले रहे हैं यहाँ पे स्टार वॉर डैडी पे, बीस्ट हर्स को भी हम देख सकते हैं। तो ये फाइट भी जो सी वाई भी रिचर्ड अकेले होते हैं यहाँ पे अपने टीम के लिए, 10 बैंडेजेस है सिर्फ, एंड ही हैज़ टू मूव 280 मीटर्स इन टू द जोन, ओनली 8 सेकेंड्स टू गो बिफोर द सर्कल स्टार्ट्स टू क्लोज आउट। तो यहाँ पे टीम 11 एंड टीम 6 11 एंड टीम 20 आर द ओनली 3 टीम्स विच आर इन द जोन राइट नाउ। जॉब ब्रेकर्स को भी रोटेट करना पड़ेगा, एंड आई थिंक दे विल गो स्ट्रेट टू टीम नंबर 11 एज सी वाई वी फैंटम को यहाँ पे सी वाई वी रिचर्ड ने कन्फर्म कर दिया है यहाँ पे। तो बॉर्क प्रो बॉट जो है वो उनके लिए यहाँ पे लूटना नहीं चाहिए, सर्कल को प्रायोरिटी देनी चाहिए, सर्कल क्लोज होने वाला। डेडली ट्रॉय को आप देख सकते हो सर्कल को प्रेफरेंस दे रहे हैं, 100 मीटर्स टू गो, आई थिंक ही विल मेक इट टू द जोन, बट टीम नंबर 8 का यहाँ पे पीछे से शॉट्स आता हुआ सी वाई वी एक्सट्रीम। तो यहाँ पे सी वाई बी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि इनके पास व्हीकल नहीं है, दे कैन नॉट। यहाँ पे बीस्ट अभी भी शॉट्स ले रहा है, बीस्ट की स्क्वाड जो है वो जॉब ब्रेकर्स को यहाँ पे स्पॉट किया हुआ है, टीम नंबर 11 को भी स्पॉट किया हुआ, टीम नंबर 6 को भी स्पॉट किया हुआ, मिस्ट्रो को काफ़ी डैमेज पड़ा है यहाँ बीस्ट विकी की तरफ से। तो अब जो है वो चारों तरफ से यहाँ जॉब ब्रेकर्स ने डाउन किया है सी वाई बी रिचर्ड को, एंड विदर्स को भी यहाँ पे डाउन कर दिया है, इनसेन यहाँ पे किल ले लेंगे उनका, एंड सिनिस्ट्रो भी डाउन है यहाँ पे। तो विदुर को यहाँ पे कंफर्म कर दिया, ग्रिजली ने यहाँ पे नॉक कर दिया, गब्बर सिंह ने यहाँ पे ग्रिजली को नॉक कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गनमैन ने विदुर को कंफर्म कर दिया, वॉर डेडी यहाँ पे देख सकते हो नीचे, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं सिनिस्टर को, यहाँ ओबीटो ने खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे एक किल्स यहाँ पे ग्रिजली को, पता नहीं रिवाइव मिल पाएगा कि नहीं। तो वी आर ऑलरेडी टू टॉप 6 टीम्स, डेडली ट्रॉय को यहाँ पे स्पॉट किया हुआ है बंदा, स्पॉट किया हुआ है यहाँ पे वॉर डैडी ने, एंड गब्बर सिंह जिन्होंने अभी अभी डाउन किया था ग्रिजली को, बट 4 फर्स्ट एड है, स्मोक्स का यूज़ किया है, बट सो ही विल हैव टू मूव टू द जोन राइट नाउ। इनको यहाँ पे गब्बर सिंह को बहुत बुरी तरह से पड़ रही है, आई थिंक इन्होंने एक गलती करी है कि, बट ऐसे टाइम्स पे आपको फाइट लेनी चाहिए क्योंकि आप हार्डली ऐसा होगा कि आप अपने टीम को एक पोजीशन और ऊपर ले जा पाओगे क्योंकि आप अकेले बच्चे हो, सर्कल इतना छोटा हो चुका है आपकी। एनी वे बीस्ट की स्क्वाड जो है वो रोटेट कर रही है, यहाँ पे रिज पे रुक चुकी है बीस्ट की स्क्वाड, यहाँ पे देखना पड़ेगा टीम 6 वर्सेस टीम 20 यहाँ पे होने के पूरे पूरे चांस हैं। टीम 6 के पास ग्रिजली नॉक हो गए, बीस्ट का यहाँ पे फुल ऑन पुश आता हुआ, 2 बंदे डाउन हो चुके हैं, वॉर डेडी एंड ग्रिजली बोथ डाउन है यहाँ पे। तो बीस्ट यहाँ पे पुश करना चाहिए, बीस्ट भी 1 डाउन है, 1 डाउन है बीस्ट की टीम भी यहाँ पे, रिवाइव देना चाहिए सबसे पहले। ओबीटो जो है वो रिवाइव देंगे, एंड सौरभ जो है वो कोशिश करेंगे डाउन किया है स्कार सौरभ का, यहाँ पे अमेजिंग अमेजिंग स्प्रे आता हुआ रबड़ा बंदा जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे यहाँ पे रोटेट होने का, तो बट रबड़ा बंदा ने यहाँ पे सौरभ को नॉक कर दिया है। तो यहाँ पे सौरभ जो है वो आई थिंक जोन से वॉर रेडी, सो ओबीटो इज द ओनली सोल सर्वाइवर, उनको ही हैज़ टू गो फॉर दैट प्लेसमेंट राइट नाउ बिकॉज ओबीटो को भी काफ़ी डैमेज पड़ रही है यहाँ पे। तो पेड़ के कवर में जाने की कोशिश है, कवर जाते हैं बट रबड़ा बंदा यहाँ पे उनको कन्फर्म कर देगा। तो जॉब ब्रेकर्स ने यहाँ पे थर्ड पार्टी करके स्कार ई स्पोर्ट्स को मुश्किल में डाल दिया। तो यहाँ पे जॉब ब्रेकर्स को हम देख सकते हैं जो कि लिटरली परफॉर्मिंग एट देयर बेस्ट, यहाँ पे गनमैन ने जो 6 किल्स निकाले, 9 किल्स ले चुके, 12 किल्स ले चुकी है टीम एक्चुअली। तो गब्बर सिंह जो कि अकेले बचे थे अपनी स्क्वाड के, टॉप 2 सिचुएशन में अपनी टीम को लेकर आ चुके हैं, एंड इनसेन ने इनको स्पॉट किया हुआ है। तो यहाँ पे मे बी गब्बर सिंह का हमें कुछ देखने को मिलेगा, यस, बट जॉब ब्रेकर्स आर जस्ट टू स्ट्रांग फॉर एनीवन टू डील देयर। तो भाई यहाँ पे 13 किल्स के साथ जॉब ब्रेकर ने ये गेम निकाल लिया है।
तो भाई वेलकम टू आर फाइनल्स ऑफ द टीयर 3 स्क्रिम्स ऑफ स्कार ई स्पोर्ट्स। ये हमारा फाइनल गेम है जो कि किल गेम होने वाला है। इसमें पोजीशन की पॉइंट्स सबको खास नहीं है, बट किल के बहुत बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीम्स जो है वो हमें ज्वाइन कर रही है। कुछ टीम्स यहाँ पे अकेली रह गई है, आई थिंक, नॉट श्योर वाई, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे लोग जो हैं वो लॉबी में आ चुके हैं। 58 पीपल हैव ज्वाइंड अस एंड DWG रेंच। तो ये जो है वो किल गेम होने वाला। लेट्स सी हाउ मेनी किल्स पीपल कैन टेक। प्लेन पाथ जो हम देख सकते हैं नोवर इग्नोय से हॉस्पिटल की ओर बना हुआ है, जॉर्ज पूल की तरफ। एंड जॉ इनसेन का ये प्लेन हमारा 35 RP। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं फिलहाल सभी, तो नोवो पे आई थिंक कोई स्क्वाड जाएगी या नहीं ये देखना होगा ना। AWM दीपक एंड स्ले जोकर यहाँ पे, स्टॉमेक्स एंड विदुर जो है वो टीम नंबर 11 जो है वो ड्रॉप ले चुकी है नोवो रिप के लिए। एंड टीम नंबर 21 जो इनको कंपनी दे रही है आई थिंक। सो लेट्स सी, मुंशी प्रेमचंद एंड स्कार मार्कमेंट, दो मैन की सिर्फ टीम आई है यहाँ पे, तो ये देखना होगा हमें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं DMR शुभ को यहाँ पे मिलिट्री बेस की, टीम नंबर 19 जो कि मिलिट्री बेस की सी बिल्डिंग्स में आई है। एंड टीम नंबर 2 भी यहाँ पे आई हुई है, तो विच आई वी कैन सी एक्समैन क्रेटोस एंड RF यहाँ पे सी बिल्डिंग में काफ़ी लेट हो गए हैं उतरने में, तो वैसे क्योंकि एक टीम है जो वो ऑलरेडी उतर चुकी है। एंड टीम नंबर 6 को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, बिजली सौरभ वॉर डैडी एंड ओबिटो जो कि मिल्टा पावर में आए हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी, तो काफ़ी टीम नंबर 21 एंड टीम नंबर 6 जो है वो काफ़ी पास है यहाँ पे। तो टीम नंबर 10 को हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोचिंग की आई है अलॉन्ग विद टीम नंबर 15 जो है इनको कंपनी दे रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीम नंबर 15 यहाँ पे CYB की जो टीम है यहाँ पे, एडवर्ड एलेक्स रिचर्ड एंड ऑप्टिमस यहाँ पे, और टीम नंबर 10 रेवोल्यूशन के साथ ड्रॉप लिया है यहाँ पे कोचिंग की में। तो हमें अर्ली फाइट्स देखने को मिल सकती है, और हम देखते हैं जॉर्जोपोल कंटेनर्स से कौन कौन जा रहा है। तो बीस्ट की स्क्वाड जो है वो आई थिंक कंटेनर्स की ओर जा रही है, येस। सो आई डोंट थिंक देर इज़ एनीबडी एल्स इन कंटेनर्स। तो बीस्ट की स्क्वाड यहाँ पे कंटेनर्स पे गई है। UP70 की जो टीम है आई थिंक ये वाटर सिटी की ओर एंड रोइंस लूटेगी यहाँ पे। फुल चार के चार बंदे सर्कल जो बना है भाई वो जॉर्जोपोल एंड कोचिंग की को सेंटर में लेकर बना है। तो यहाँ पे टीम 2 के 2 बंदे मिलिट्री आए हैं, 2 बंदे उतरे हैं, एक बंदा अकेला आई थिंक आरिफ अकेला आया है यहाँ पे क्रेटोस एंड ओके, 2 बंदे यहाँ पे मिलिट्री बेस आए हैं, 2 बंदे जो है वो जो हम यूजुअली देखते हैं IND एंड IND का जो टीम, IND की जो रोटेशंस होती है ये वो वाली रोटेशन है। आई थिंक MX वाइपर को यहाँ पे आप देख सकते हो अकेले आए हैं, आई थिंक ही इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द गेम यहाँ पे। तो टीम 8 पे यहाँ पे शॉट्स फायर होने शुरू, सहरोज ने यहाँ पे फैंटम को डाउन कर दिया है एंड CYB एक्सट्रीम को यहाँ पे रमीश ने डाउन किया है। तो यहाँ पे टीम CYB के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि किल गेम है, कोई आपको नॉक करके छोड़ने नहीं वाला। तो आई थिंक फॉर देम बॉर्ग बैड वुल्फ जो है वो फॉल बैक करेंगे यहाँ पे। अब तो आई थिंक ये सिटी में आए हैं, तो आई थिंक ये अकेले इधर आ गए थे जो इसकी वजह से ये बच गए। तो बीस्ट हर्ष यहाँ पे डैमेज ले रहे हैं, आई थिंक ही इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द गेम यहाँ पे। बीस्ट के लिए एक बैड न्यूज़ है जो कि काफ़ी अच्छा खेल रही है, बट यहाँ पे एक प्लेयर ऐसे लूज़ करना जो कि पानी में होगा। तो यहाँ पे फ्लेयर आई थिंक चलाया हुआ है, यस, टीम नंबर 20 ने जो कि बीस्ट की स्क्वाड है यहाँ पे, आई थिंक उन्होंने फ्लेयर ड्रॉप मंगाया हुआ है। तो लेट्स सी ड्रॉप में क्या आ रहा है। तो टीम की बीस्ट, टीम बीस्ट जो है उनकी स्क्वाड ने यहाँ पे फ्लेयर मंगाया हुआ है। तो हम देख सकते हैं बीस्ट हर्ष यहाँ पे पानी में मर जाएंगे, और यहाँ पे पोचिंग की में भी फाइट जो है वो शुरू हो चुकी है। एलेक्स जो है उन पर काफ़ी थोड़ा डैमेज पड़ा है यहाँ पे। रेवोल्यूशन एंड CYB के बीच में ये फाइट हम देख सकते हैं। बैड वुल्फ जो है यहाँ से उनको फॉल बैक करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो CYB एडवर्ड एंड UP70 सभी चार की चार टीम उधर के। बीस्ट ने अपना एक स्क्वाड खो दिया है, एक स्क्वाड मेंबर खो दिया है, बट इन्होंने फ्लेयर मंगाया था, हम फ्लेयर को देखेंगे किसने लूटा है। तो आई थिंक बीस्ट विकी हैज़ अ लेवल 3 लूट ऑलरेडी, बट सो ही। यहाँ पे टीम नंबर 16 को हम देख सकते हैं फाइट्स लेते हुए, जो कि UP70 की टीम है। यहाँ पे पिका चुपे हम देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट स्कार मार्कमैन को यहाँ पे ओबिटो ने डाउन किया है, हम उनकी तरफ चलेंगे। बट पहले हम यहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप देख लेते हैं कि क्या है। AWM एंड ग्रोजा, और ये आई थिंक ऊपर गिर गई है कंटेनर्स के, जिसके कारण इनको लूट किसी ने लूटा नहीं है, बट दे विल हैव टू पुल सम फ्रैग्स टू गेट इट डाउन फ्रॉम हेयर।
सो लेट्स सी कि हम देखना चाहेंगे कि और कहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइट चल रही है टीम नंबर 21 को, यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद, और टीम नंबर 6 जो थे, जो दो डुओ की एक स्क्वाड आई थी, उनको वाइप कर दिया है यहाँ पे। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे, 2 किल्स अपनी स्क्वाड को यहाँ पे दिलाते हुए। एंड स्ले जोकर जो है वो यहाँ पे कंटेनर्स नोवो पे टीम नंबर 11 आई है, कोई और स्क्वाड नहीं आया है यहाँ पे। डीएमआर शुभ को हम देख सकते हैं, यहाँ पे डीएमआर की जो टीम है वो आई है यहाँ पे मिलिट्री बेस, यहाँ पे स्पेक्टेट करता हुआ टावर में। इनको लगा होगा कि कोई है तो मे बी इनको स्पॉट करने की कोशिश है यहाँ पे। तो यू टीम नंबर 16 को आप देख सकते हो, जो कि एक लाइन बना रखी है, चारों बंदे चार तरफ घूम रहे हैं। तो भाई ये रोटेशन तो समझ के बाहर है कि अब स्निस्ट्रो को यहाँ पे कुनाल ने ख़त्म किया है विद अ हेड शॉट। एक के लिए यहाँ पे डीएमआर कुनाल के नाम यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे डेविल को हम देख सकते हैं, यहाँ पे एमएक्स की जो टीम है आई थिंक वो अकेले रह गए थे शायद, उन्होंने अपना स्लॉट वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। यहाँ पे बीस्ट गौतम, गब्बर सिंह, खलीफा एंड टीम नंबर बीस्ट हर्ष जिनको अपने देखा, सॉरी टीम नंबर 5 पे हम चलते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे गब्बर सिंह, बीस्ट गौतम, ओके यहाँ पे आई थिंक वाइपर जो है वो अकेले आ गए थे जिन्होंने, सो उन्होंने कोशिश किया कि वो किसी को बॉदर ना करें। एंड एमएक्स वाइपर यहाँ पे अकेले खड़े हैं, आई थिंक ही इज़ डिसकनेक्टेड राइट नाउ। सो टीम नंबर 22 में जो कि स्लॉट किसी का था नहीं, तो मेक सेंस कि ये यहाँ पे, बट यहाँ पे 1 पॉइंट ये किसी और को दे सकते हैं, 1 किल अपना, तो इनको यहाँ पे कवर ले लेना चाहिए था। बट ही इज़ डिसकनेक्टेड राइट नाउ, सो दिस किल इज़ जस्ट वेटिंग देयर फॉर समबडी टू यू नो बी टेकन आउट एंड एड 2.5 पॉइंट्स टू देयर टैली। तो रेड जोन यहाँ पे, तो आप देख सकते हो जॉर्जो पुल के पास जो है वो इतनी सारी टीम्स जो है वो क्लोजिंग कर चुके हैं। अगर हम जॉर्जो पुल का यहाँ पे हम साउथ सिटी में देखेंगे, तो यहाँ पे डीएमआर मार्कमैन को, मिस्टर खान को यहाँ पे गनमैन ने डाउन किया है यहाँ पे। एंड मिस्टर खान को यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया गया है। तो स्पाइक कमांडो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जॉब ब्रेकर्स ने अपना काम शुरू कर दिया, यहाँ पे 2 किल ले चुकी है। डीएमआर उत्कर्ष को काफ़ी डाउन दे दिया, यहाँ पे काफ़ी डैमेज दिया है। रोटेशन आता हुआ जॉब ब्रेकर्स का यहाँ पे डीएमआर कुणाल एंड डीएमआर उत्कर्ष पे। तो यहाँ पे आई थिंक टीम 17 काफ़ी मुश्किल में है, क्योंकि ये टीम जो है वो काफ़ी डोमिनेट करना जानती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द किल गेम्स। तो जॉब ब्रेकर्स यहाँ पे डीएमआर पे भारी पड़ती हुई, यहाँ पे बीस्ट की टीम जो कि इसको फ्लेयर ड्रॉप लूट कर वहाँ बैठी है। टीम 16 पे भी एक ड्रॉप आता हुआ दिखा है, फ्लेयर ड्रॉप हमें, हम देखते हैं इन पे सिर्फ स्टॉक पड़ा है, तो आई थिंक टीम 16 को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पुश देखेंगे जो कि आ रहा है जॉब ब्रेकर्स की टीम की तरफ से। यहाँ पे SLR विद एन ATEX, यहाँ पे स्पाई कमांडो जो पूरी तरह से पीछे रोटेट हो चुके हैं। एंड इनके टीममेट्स को हम देखेंगे कि कैसे, गनमैन जो कि इनका असॉल्टिंग एक असॉल्टर है इस टीम का, उसको हम देख सकते हैं यहाँ राइट से रोटेट कर रहा है। इनसेन जो है वो भी पीछे से जा रहा है गनमैन के साथ। एंड कमांडो जो है वो आ चुके हैं घर में इनके पीछे, प्रॉफिट जो है वो घर के ऊपर से कवर दे रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा एंड ऑर्गेनाइज सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो टीम 17 का भी हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, उत्कर्ष एंड कुणाल यहाँ पे बैठे हैं। तो अब फ्रैक्स जो है वो आने शुरू हो गए हैं पीछे, उत्कर्ष को डाउन किया। तो यहाँ पे डीएमआर को वाइप कर लिया है, 4 किल्स अपने हाथ में डाल लिया है जॉब ब्रेकर्स ने यहाँ पे। तो किल गेम में 4 किल अर्ली इन द गेम, दे आर क्रूजिंग टू द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ। इन्होंने पहले किल गेम में 16-17 किल लेके पूरे पॉइंट्स टेबल को इधर से उधर करके रख दिया था, और वही परफॉर्मेंस यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। डीएमआर काली को आप देख सकते हो यहाँ पे, 2 किल्स ले चुकी है टीम एंड दे आर लूटेड अप रियली राइट नाउ। एंड यूपी 70 की टीम जो है वो अब एक साथ हो रही है आई थिंक टीम 16। यस, डॉक्टर ड्रेड जो है वो भी अपनी टीममेट्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि मेक सेंस कि आप अलग अलग ना रहो। तो टीम 3 एंड टीम 20 में भी हमें फाइट देखने को मिल सकते हैं। तो सरकारी एयर ड्रॉप जो कि हमारा आ चुका है यहाँ पे, आ चुका है एक्चुअली, गिरा नहीं है अभी तक ड्रॉप, बट लेट्स सी। तो जॉ इनसेन, जॉ के पास हमारे पास 4 किल्स हैं हम देख सकते हैं। डीएमआर सहरोज एंड रमेश किप दोनों के पास 1-1 किल है, बीच के पास 1 भी किल नहीं है, ओबीटो के पास 2 किल्स हैं। एंड लेट्स सी यू नो, एंड आई डोंट सी एनी अदर टीम हैविंग एनी किल्स राइट नाउ। सो जॉ ब्रेकर्स की टीम जो कि सबसे ऊपर चल रही है यहाँ पे, हम देखेंगे उनको, ओबीटो को भी हम देखते हैं यहाँ पे, गाड़ी लेकर रोटेट कर रहे हैं। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू सारी एक ही गाड़ी में, आई थिंक येस देयर इज़ ओनली 1 व्हीकल राइट हियर। एंड टीम नंबर 9 को भी हम आप देख सकते हैं, जो कि कॉम्पाउंड्स लूट रहे हैं, लेवल 2 लूट विद इन मगधीरा को हम देख सकते हैं यहाँ पे। रोहिंसन बग को भी लेवल 2 की लूट है विद स्कारल, जैक स्पैरो यहाँ पे लेवल 2 लूट विद स्कारल, एंड मुकिल अनेजा को
को भी हम देख सकते हैं यहाँ पे स्कारल, तो सबके पास स्कारल है। फिर द लेवल टू लूट, यहाँ पे रेवोल्यूशन के पास एक भी किल अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। बट सी वाई बी के साथ जो पोचिंग की में इनकी फाइट चल रही थी, अभी भी टी पी पी का गेम अभी तक चल रहा है यहाँ पे, एंड सी वाई बी हैज़ होल्डन दैट बिग कॉम्पाउंड इन पोचिंग की विद दैट ग्रीन हाउस, जो कि दो हाउसेज जो अटैच रहते हैं ऑलमोस्ट। तो सी वाई बी वर्सेज, अगर यहाँ पे सी वाई बी टीम 10 को यहाँ पे क्लियर कर जाती है तो एक पॉइंट्स टेबल में काफ़ी ऊपर नीचे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेवोल्यूशन जो है वो टॉप 3 में चल रही है। दिस इज़ द फाइनल गेम, दिस इज़ द किल गेम राइट नाउ। तो यहाँ पे फ्रैग्स का जो ट्रेड है वो शुरू हो चुका है, हम ड्रोन व्यू देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, एंड जायरो गॉड एंड रिव टॉक्सिक को हम देख सकते हैं यहाँ पे, कॉर्नर से ग्रेनेड पुल किया है यहाँ पे आई थिंक, एंड आई थिंक लेट्स सी इफ इट हिट्स और नॉट। इन्होंने स्पॉइट प्लॉट किया है वहाँ पे, एलेक्स को पड़ सकता है, शॉट्स जो है वो कंटिन्यूसली आती हुई यहाँ पे टीम 10 को हम देखेंगे यहाँ पे। जायरो गॉड 20 अंकुर को वहाँ पे प्रॉफिट ने डाउन किया है, एंड सी वाई बी एलेक्स को यहाँ पे टॉक्सिक ने डाउन कर दिया है, जो कि हम देख रहे थे यहाँ पे इन्होंने स्पॉट किया हुआ था। एक और फ्रैग इनका आता हुआ यहाँ पे और यहाँ पे एलेक्स का डाउन खत्म हो जाएगा आई थिंक, और दो डाउन हो गए। तो सी वाई बी रिचर्ड तो अब जो है रेवोल्यूशन पुश करेगी, क्योंकि इनके पास अब बहुत बड़ा एडवांटेज है, दो बंदे डाउन है फ्रैग से नीचे स्पॉट पे। टॉक्सिक ने यहाँ पे टीम को भी डाउन कर दिया, और यहाँ पे सी वाई बी की टीम को रेवोल्यूशन ने ईजिली क्लियर कर लिया टॉक्सिक के हाथ में, 3 किल्स आते हुए यहाँ पे। तो जोकर ने यहाँ पे मगधीरा को नॉक किया गाड़ी से, तो जैक स्पैरो को यहाँ पे विदुर ने नॉक किया, और रोइंसन बग ने एडब्ल्यूएम दीपक को नॉक किया, रोइंसन बग को स्ले जोकर ने नॉक किया, एंड ड्रेड मैक्स को यहाँ पे रेंच ने डाउन किया। तो चारों तरफ से जो है वो फाइट्स जो अब शुरू हो चुकी है, तो लेट्स सी, रोइंसन बग को यहाँ पे कन्फर्म कर दिया गया है, स्ले जोकर ने यहाँ पे जैक स्पैरो को भी आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पे, तो चारों तरफ से जो है वो फाइट शुरू हो चुकी है। एक्समैन क्रेटोस को हम देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्ले जोकर को भी खत्म कर दिया है, ये फाइट हमें देखनी पड़ेगी। तो मुकुल उनेजा को भी यहाँ पे खत्म कर दिया है, ड्रीमैक्स और स्कार विदुर और ड्रीमैक्स को यहाँ पे ग्रिजली ने नॉक किया है। फाइट हमें बार बार एक्समैन पे ले आ रहा है कैमरा, पता नहीं क्यों। हम यहाँ पे टीम 6 को देखेंगे, आई थिंक दे आर टीम 6 राइट नाउ हु इज हैविंग दैट, यस सौरभ कप देख सकते हो यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे तो प्रोन हो गया विदुर, आई थिंक ही इज अलोन राइट नाउ। और यहाँ पे फ्रैग दोनों साइड से फ्रैग पुल हो रहा है, ओबीडो की तरफ से फ्रैग आया है, बट आई थिंक ये फ्रैग जो है वो देख रहे हो, विदुर को 10 HP पे बचा, ये ग्रेनेड इनका काम यहाँ पे तमाम करेगा। यस ओबीडो का ग्रेनेड आता हुआ, तो विदुर को भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो अब यहाँ पे टीम 6 पे थर्ड पार्टी होती हुई यहाँ पे एक्समैन की टीम जो है वो पुश कर चुकी है यहाँ पे, तो टीम 6 का पॉइंट ओम को डाउन किया है। सौरभ यहाँ पे पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे, तो ओबीडो भी डाउन हो गया यहाँ पे, सौरभ भी डाउन हो चुका है, दो बंदे डाउन हो चुके हैं यहाँ पे। वॉर डैडी एंड इट्स ऑल अप टू वॉर डैडी एंड ग्रिजली राइट नाउ, ग्रिजली को काफ़ी डैमेज पड़ा है, वॉर डैडी को भी काफ़ी डैमेज पड़ा है, बट यहाँ पे वॉर डैडी ने जिलेक्स आरिफ को भी डाउन कर दिया यहाँ पे। तो अब पीछे से जो है वो जो टीम ने पुश किया था उन पर भारी पड़ सकते हैं। यहाँ पे सौरभ को कन्फर्म कर दिया जाएगा, पीछे से खलीफा ने किल कन्फर्म किया, ओबीडो को भी यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे, पीछे से एमएक्स का थर्ड पार्टी आता हुआ पूरा, बट यहाँ पे पुश करना चाहिए एक्समैन की टीम पे। यहाँ पे सारे बंदे डाउन है, 3 बंदे डाउन है, उनको पुश करना चाहिए सामने वाली टीम पे, 3 बंदे डाउन है यहाँ पे। अब वॉर डैडी को यहाँ पे पीछे से वाइपर ने नॉक कर दिया है, और अंकुर ने यहाँ जॉब प्रॉफिट को वॉर्ड या खलीफा ने वॉर डैडी को भी किलन कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे एक्समैन की टीम को टीम एमएक्स ने बचा लिया है। तो ग्रिजली जो कि सोल सर्वाइवर है, उनको यहाँ पे फॉल बैक करना चाहिए, क्योंकि एक्समैन की टीम अब इनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि एक्समैन की टीम डाउन थी, 3 पीपल वर डाउन, एंड देन हैपेंड दैट थर्ड पार्टी फ्रॉम टीम एमएक्स, जिन्होंने स्कार ई स्पोर्ट्स का गेम यहाँ पे पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। अगर वो 4 किल स्कार ई स्पोर्ट्स निकाल लेती तो 10 किल हो जाते, एंड दैट वाज गोइंग टू बी अ रियली रियली ह्यूज ऑन पॉइंट्स टेबल यू नो। बट यहाँ वाइपर को भी कंफर्म कर दिया गया, ग्रिजली को यहाँ से फॉल बैक कर लेना चाहिए, ही शुड गो फॉर दैट प्लेसमेंट पॉइंट्स राइट नाउ। तो
नाइन टीम्स अलाइव, 32 पीपल आर स्टिल अलाइव। एक्समैन की टीम को यहाँ पे एमएक्स की टीम ने यहाँ पे बचा लिया है। आई थिंक एक्समैन की टीम को यहाँ पे टीम मॉन्स्टर्स ने बचा लिया है यहाँ पे स्कार ईस्पोर्ट्स के हाथ से। बट यही होता है भाई, थर्ड पार्टी लोग करने के लिए रेडी रहते हैं। यहाँ पे डीएमआर शुभ के और डीपी 3x का हम देख सकते हैं। यहाँ पे स्पाई कमांडो को बीस्ट अंकुर ने वापस से डाउन किया है यहाँ पे। तो जॉर्ज पुल की जो फाइट है वो शुरू हो चुकी है। कमांडो यहाँ पे डाउन हो चुके हैं घर के अंदर। तो आई थिंक इट वॉज स्नाइपर वर्सेज स्नाइपर, बट AWM वर्सेस कार 98 में यहाँ पे ओम का पलड़ा भारी दिखता हुआ यहाँ पे हमें। बीस्ट की टीम को हम देख सकते हैं यहाँ पे, बीस्ट विकी जो कि गाड़ी लेकर यहाँ पे रोटेट करने का रेंज ने वहाँ पे BMR बेस्ट को डाउन किया है। एंड किंग जो है आई थिंक दे आर पुशिंग राइट नाउ और वी आर नॉट श्योर, बट येस दे आर गोइंग टू पुश। तो जॉ पे यहाँ पे पुश करता हुआ, ग्रिजन ने वहाँ पे बीस्ट गौतम को नॉक किया है, बट ब्लड बास्ट राइट नाउ जॉब या बीस किंग को कंफर्म कर दिया जॉब प्रॉफिट ने। बीस्ट अंदर से स्पाई कमांडर ने यहाँ पे, तो बीस्ट की स्क्वाड जो है वो वाइप हो चुकी है। नॉट श्योर रियली व्हाट हैपेंड देयर, बट यहाँ पे एक गलत पुश हुआ एंड जॉ इनसेन या कि जॉ की जो टीम है वो 7 किल्स ले चुकी है। और अब इनको हो रही है थर्ड पार्टी जो कि टीम है टीम नंबर 4 जो कि पूरी तरह से थर्ड पार्टी डीएमआर काली को आप देख सकते हो। तो जॉ दो दो में डिवाइडेड है यहाँ पे, तो डीएमआर की टीम यहाँ पे थर्ड पार्टी करने को आ चुकी है। तो आरिफ ने यहाँ पे एक्समैन क्रेटोस को डाउन किया है फ्रैग से एंड आई थिंक ग्रिजली हैज़ बिन ऑल्सो बिन किल्ड राइट नाउ, सो ही हैज़ ऑल्सो बिन कन्फर्म्ड राइट नाउ। सो टीम नंबर 6 इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द गेम एंड डीएमआर शुभ को यहाँ पे एंड डीएमआर ईशान दोनों को यहाँ पे किल करके कन्फर्म कर लिया है। एक्समैन क्रेटोस को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा। तो ये वो टीम है जिनको एमएक्स ने बचा लिया थर्ड पार्टी करके। स्कार ईस्पोर्ट्स से ड्रॉप नंबर 6 यहाँ पे पड़ी हुई है विद एन ग्रोजा एंड सप्रेसर एंड लेवल 3 लूट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यूपी 70 की जो टीम यहाँ पे पूरी तरह से अलग है। तो यहाँ पे स्पाई कमांडो वापस से डाउन हो चुके हैं, हम देखते हैं यहाँ पे ये दिस आई थिंक इज थर्ड नॉक राइट नाउ, बट ही हैज़ एन AWM एंड गनमैन जो कि टीम 3 के आई थिंक यहाँ पे इनसेन यहाँ पे फाइट ले रहे हैं रेवोल्यूशन से, यहाँ पे वो शॉट्स ट्रेड कर रहे हैं एंड टीम 4 भी वहीं पर है। तो डीएमआर शहरोज को यहाँ पे डीपी के स्प्रे से डाउन किया। काली की भी हेल्थ ओनली 10 एचपी पे रहती है बट कवर में आ चुके हैं ये लोग एंड वी विल सी दैट शहरोज को आई थिंक रिवाइव मिलना इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सामने से डीएमआर स्प्रे कर रही है, पीछे से टीम 10 स्प्रे डाउन कर रही है। तो सेटन को हम यहाँ पे देखेंगे क्लीन किल कन्फर्म किया, उसके बाद यहाँ पे डीएमआर के टीम पे पुश कर रहा है। सेटन को काफ़ी बुरा शॉट पड़ा है यहाँ पे साइड से और रमेश ने यहाँ पे प्रोग्नब को डाउन कर दिया है। फ्रैग ग्रेनेड से यहाँ पे सेटन हील कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीन तरफ से यहाँ पे फाइट शुरू हो चुकी है और 17 बुलेट से रमेश को काफ़ी डैमेज पड़ा है यहाँ पे हम देख सकते हैं। डाउन किया, सेटन की हेल्थ ओनली 10 एचपी बची, इनको दोनों साइड से पड़ रही है। रमेश को यहाँ पे हील करना चाहिए बट नॉट श्योर वाई ही इज नॉट हीलिंग अप, ही इज ट्राइंग टू गेट दैट नॉक फ्रॉम दैट ग्रेनेड। यहाँ पे प्रोग्नब का अच्छा जंप एंड शॉट लेने की कोशिश, बीस्ट गौतम को वहाँ पे रेंच ने नॉक किया वापस से। तो यहाँ पे CTR सेटन को यहाँ पे काली ने डाउन किया। काली जो है वो पाली को दूर से पड़ रही है, वहाँ पे AWM का शॉट काली को पड़ा है एंड काली को नॉक किया रमेश ने। यहाँ पे कमांडो ने यहाँ पे डीएमआर काली को नॉक कर दिया है। तो यहाँ पे प्रोग्नब को भी कंफर्म करेंगे, एक्समैन ओम वहाँ पे डेविल ने उनको कंफर्म कर दिया, रेव टॉक्सिक को भी यहाँ पे काशिफ ने कंफर्म कर दिया है। तो 6 किल्स यहाँ पे डीएमआर काली के टीम के पास हम देख सकते हैं। काशिफ के पास एक है, बीस्ट गौतम भी वहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं। डीएमआर रमेश के पास भी 2 किल्स हैं। तो गब्बर सिंह एमएक्स खलीफा के पास 3 किल, डेविल के पास 2 किल एंड गब्बर सिंह यहाँ पे अकेले हैं। बट यहाँ पे GLX आरिफ जो हैं उनके साथ यहाँ पे एक्समैन क्रेटोस के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। 5 किल यहाँ पे OWG रेंच के पास, यहाँ पे 5 किल एंड डेविल पे इनका फ्रैग जाता हुआ, मे बी डेविल यहाँ पे नॉक हो सकते हैं। बहुत अच्छा फ्रैग गया, डेविल नॉक हो जाएंगे आई बिलीव, बट आई थिंक वो पेड़ के पीछे थे। एमएक्स खलीफा को यहाँ पे आरिफ ने डाउन कर दिया है कार 98 के चांटे से। यहाँ पे एक और फ्रैग करने की कोशिश, बट डेविल जो है वो लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। तो एक्समैन की टीम यहाँ पे एमएक्स पे भारी पड़ चुकी है। खलीफा भी यहाँ पे कन्फर्म, मुझे खलीफा नॉक थे बट यहाँ पे उनको रिवाइव मिल गया एंड पुश हुआ है आरिफ का यहाँ पे। एक शॉट और खलीफा वापस से डाउन हो गया, गब्बर सिंह पे पूरी तरह से पुश आता हुआ। अब जो करना है गब्बर सिंह को करना है, पहले डाउन किया तो यहाँ पे अब गब्बर सिंह को अकेले क्लच करना पड़ेगा। 4 फर्स्ट एड है बट पता नहीं लगाने का टाइम है, यानी आरिफ की भी हेल्थ बिल्कुल 10 एचपी पे है, कंटिन्यूसली फाइट ले रहे हैं वो यहाँ पे। रेंच जो है वो राइट से रोटेट कर रहे, तो हील कर दिया है। कोशिश है गब्बर सिंह की
आयरन साइड, तो रेंज को भी नॉक कर दिया यहाँ पे गब्बर सिंह। गब्बर सिंह का यहाँ पे अमेजिंग गेम प्ले में देखने को मिल रहा है, आरिफ को यहाँ पे नॉक करना है और फ्रैग आ गया और गब्बर सिंह का वो गेम जो अमेजिंग वो हमें दिखा रहे थे वो भी हमें सैडली अब देखने को नहीं मिलेगा। तो ओनली फोर टीम्स अलाइव, दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन अ किल गेम राइट नाउ। यू कैन सी इतने बड़े सर्कल में सिर्फ चार टीम्स अलाइव है। यूपी 70 डीएमआर डीएमआर काशिफ को भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, डीएमआर रमेश को भी। तो वी आर ऑलरेडी डाउन टू टॉप थ्री टीम्स एंड जॉब ब्रेकर्स लेडीज एंड जेंटलमैन हैव टेकन 10 किल्स इन दिस किल गेम एंड एक्समैन की टीम ने भी 8-10 किल्स ले रखे हैं। तो टीम टू एंड टीम थ्री यहाँ पे 10-10 किल ले चुकी है इस किल गेम में। एंड यूपी 70 की टीम चार पीपल अलाइव है बट एक भी किल नहीं लिया, बट दे हैव सिक्योर्ड देमसेल्फ फॉर थर्ड पोजिशन फॉर दिस गेम। एंड अब अगर वो दो स्क्वाड यहाँ पे वाइप कर देती है तो सेवन किल यहाँ पे वो निकाल सकती है अगर वो दोनों स्क्वाड वाइप करती है, बट विच इज़ वेरी अनलाइकली आई मस्ट टेल यू, बिकॉज जॉब ब्रेकर्स की जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है एंड दे नो हाउ टू प्ले दीज किल गेम्स। तो यहाँ पे भाई टॉप थ्री की सिचुएशन हम देख सकते हैं। जो एक्समैन की टीम है दे आर द ओनली टीम हु हैज़ टू रोटेट टू द जोन राइट नाउ, और वो रोटेट कर भी रहे हैं बट सर्कल इतना ज़्यादा छोटा नहीं है कि तो उनको सर्कल का डैमेज थोड़ा कम पड़ रहा है। तो वी कैन सी यर स्पाइक कमांडो को हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो है इनको दे आर हैविंग फन बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द जोन, 10 किल्स ये ले चुके हैं एंड जॉब ब्रेकर्स हैव रियली लाइक हैड अ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिस एंटायर टूर्नामेंट। इन्होंने पहले दो गेम थोड़ा इनका ख़राब हुआ बट उसके बाद जो किल गेम्स इन्होंने कम बैक किया दैट वॉज एन अमेजिंग कम बैक फॉर दिस टूर्नामेंट। एंड स्पाई कमांडो के पास 5 किल है, गनमैन के पास 5 किल है, इनसेन एंड प्रॉफिट यहाँ पे एक भी किल नहीं लिया है बट यहाँ पे 10 टीम किल्स उनके पास है, तो विच इज़ एन अमेजिंग फीट राइट नाउ। तो ये जो है टीम डीएमआर जो कि टॉप पे चल रही थी इनसे पहले, तो उनको मे भी यहाँ पे जो है वो जॉब ब्रेकर्स पीछे कर देगी। एंड दिस इज़ द फाइनल गेम ऑफ दिस टूर्नामेंट विच इज़ अ किल गेम। और यहाँ पे अब एक टीम 16 पे जो फ़ायदा है वो है कि सिर्फ ये एक ऐसी टीम है जो सर्कल के अंदर है एंड एक्समैन भी रोटेट हो जाएगी सर्कल के अंदर आई बिलीव। एंड टीम जो जॉब ब्रेकर्स है वो भी सर्कल में इजीली रोटेट हो जाएगी क्योंकि इनके पास भी गाड़ी पड़ी है। सो टीम 16 विल हैव टू गेट कीप राइट नाउ। इनको चाहिए कि जो भी बंदा दिखे उस पर स्प्रे लेना शुरू करो क्योंकि दिस इज़ इट गाइज, दिस इज़ दी लास्ट थ्री टीम ऑफ आर टूर्नामेंट। तो यहाँ पे यूपी 70 भैया जी ने आई थिंक वो गाड़ी को मूव करते हुए देख लिया है क्योंकि हम भी देख सकते हैं यहाँ पे राइट नाउ दैट जे जॉ की जो टीम है वो रोटेट हो रही है। तो इनसेन जो है वो अकेले जा रहे हैं गाड़ी लेकर, आई थिंक ही इज़ द स्काउट फॉर हिज टीम हु इज़ यू नो ट्राइंग टू गेट हिम दैट पोजिशन एंड लोकेशन। तो सेंटर में जो 6-8 घर होते हैं आई थिंक दे आर गोइंग देयर राइट नाउ एंड दे आर स्पेक्टेटिंग बिकॉज दिस इज अ किल गेम, यू डोंट हैव टू होल्ड एनी मोर। 11 बंदे अलाइव हैं सो दे आर गोइंग फॉर द किल राइट नाउ आई बिलीव। तो यहाँ पे एयर ड्रॉप लूटने के लिए आई थिंक कोई नहीं है यहाँ पे। ग्रोजा विद द सप्रेसर यहाँ पे पड़ा है, लेवल थ्री का जो गेयर था वो लूट लिया गया यहाँ पे, बट लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। यूपी 70 की जो टीम है वो बिल्कुल टॉप पे होल्ड कर रही है। जो एवरेस्ट है वहाँ पे एक और ड्रॉप में यहाँ पे दिखा हुआ गिरा हुआ पड़ा है बट ये ड्रॉप जो है वो लूटा जा चुका है आई बिलीव। नो इट्स एन MK14 विद एन AR सप्रेसर एंड लेवल 3 गेयर राइट नाउ। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। एक्समैन की जो दो बंदे बचे हैं, जो तीन बंदे बचे हैं वो जोन का एज होल्ड कर रहे हैं एंड यूपी 70 की जो टीम है वो एवरेस्ट पे बैठी है एंड जॉब ब्रेकर्स की जो टीम है वो सेंटर वाले कंपाउंड्स होल्ड कर चुके हैं। तो जॉब ब्रेकर का यहाँ पे रियली स्मार्ट मूव क्योंकि अगर आप फाइनल सर्कल्स में सेंटर होल्ड करते हो तो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली रियली प्रॉफिट यू बिकॉज यू कैन सी एक और ड्रॉप हमारा वहीं पर होता हुआ। बिकॉज सेंटर में अगर आप कोई भी सर्कल होल्ड करते हो तो अगला जो भी सर्कल बनने वाला है आप डेफिनेटली उसमें रहोगे, भले ही आप उसके एज पे रहो बट आप उसमें रहोगे। तो सेंटर होल्ड करना इज़ अ रियली गुड स्ट्रैटेजी फॉर दिस फाइनल सर्कल्स। एंड यूपी 70 के भैया जी को हम देख सकते हैं पता नहीं किधर किधर घूम रहे हैं। यहाँ पे एक बाइक है इनके पास जिससे कि ये सर्कल के अंदर थोड़ा रोटेट हो सकते हैं। डॉक्टर ड्रेड को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेवल 3 लूट विद अ DP एंड 15 बैंडेजेस एंड 2 हेल्थ किट है यहाँ पे इनके पास। तो कोई फिलहाल फाइट हमें देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे पूरा स्पॉटिंग गेम चल रहा है। 11 बंदे अलाइव, नोबडी वांट्स टू गिव देयर लोकेशन। आरिफ यहाँ पे कार 98 से यहाँ पे स्पेक्टेट कर रहे हैं एंड लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट दे डोंट नो दैट टीम जॉब ब्रेकर्स हैज ऑलरेडी लाइक हेल्ड द सेंटर। यहाँ पे ड्रॉप जो है वो हमारा हो चुका है
जॉब ब्रेकर्स के पास एन AWM विद अ लेवल 3 गियर एंड एड्रेनलिन सिरिंज एंड अ लेवल 3 बैकपैक हियर बट टीम 3 आई थिंक दे माइट हैव सीन दैट ड्रॉप एंड दे माइट कम बैक टू लूट इट अप यू नो बट दे ऑलरेडी हैव एन AWM सो मे बी येस दे विल गो टू लूट दैट एयर ड्रॉप. तो यहाँ इनसेन को जो है वो कवर दिया जा रहा है ताकि वो ड्रॉप लूट पाए एंड इनसेन को वी कैन सी येस ही हैज़ आई थिंक नो ही डिड नॉट लूट अप येस सो ही इज़ गोइंग टू लूट अप दैट क्रेट नॉट नाउ सो ही विल ऑल्सो हैव एन AWM विथ हिम बट लेवल 3 गियर इसने सर्कल में किल गेम में फाइनल सर्कल का यहाँ पे ऑलमोस्ट गेम चल रहा है और ऐसे में इनको यहाँ पे लेवल 3 का फुल गियर मिल जाना इज़ अ रियली रियली गुड फॉर टीम जॉब ब्रेकर्स. सर यहाँ पे गनमैन के पास 5 किल हम देख सकते हैं, प्रॉफिट के पास 1 भी किल नहीं है बट नोबडी विल टेक दैट AWM बिकॉज कमांडो के पास ऑलरेडी AWM एंड ओनली 11 पीपल लेफ्ट सो वी आर 25 मिनट्स इनटू द गेम बट ही इज़ गोइंग टू कलेक्ट आई थिंक नो. सो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप सेंटर होल्ड करते हो तो सर्कल जो बनेगा वो आपके ऊपर बनेगा ही बनेगा भले ही एज पे बना हो और एग्जैक्टली वही हुआ यहाँ पे. जॉब ब्रेकर्स अभी भी सर्कल में है सो दे विल नाउ ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द माउंटेन जहाँ पे एक्समैन की बेटिंग को रोटेट करने की कोशिश यहाँ पे क्रेटोस को नॉक कर दिया. रेंच पीछे से आए हैं तो लेट्स सी व्हाट ही कैन डू राइट नाउ. प्रॉफिट को यहाँ पे रेंच में डाल दिया, अच्छा स्प्रे आता हुआ बट इन पे भी बहुत ज़्यादा स्प्रे आया, इनका वेस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है. गनमैन इन पे पुश करेंगे क्योंकि ही नोज कि यहाँ पे लो है रेंच सो यहाँ रेंच को आप और रेंच का यहाँ पे अमेजिंग किल कंफर्म किया यहाँ पे गनमैन को कंफर्म किया. डीपी को इतने क्लोज रेंज में यूज़ कर पाना विच इज़ नॉट अ ईजी थिंग गाइज, दैट रेंज जो यहाँ पे कर रहे हैं वो ईजी चीज़ नहीं है क्योंकि डीपी का रेट ऑफ फायर बहुत स्लो होता है यहाँ पे और दिस वॉज जस्ट इनसेन ने यहाँ पे रेंज को डाउन किया. तो 6 रेंज आरिफ जो है वो अब रोटेट हो चुके हैं बट एक किले उन्होंने और निकाल लिया अपने लिए. रेंज के पास 7 किले हैं एंड जॉ इन जॉ के पास भी जो है वो हो चुके हैं. तो यहाँ पे आरिफ पे भी कंटिन्यूसली शॉट्स आते हुए बट पता नहीं आरिफ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. जॉ ब्रेकर्स यहाँ पे यूपी 70 की जो टीम है वो तब से सिर्फ तमाशा देख रही है किल गेम में, इन्होंने एक भी किल लेने की कोशिश नहीं करी है. तो अब जो है इनको ओपन में बंदे दिख रहे हैं, डॉक्टर ड्रेड को आई थिंक लेट के ये स्प्रे लेना चाहेंगे एंड दिस कैन बी रियली बैड फॉर कमांडो. ये आरिफ को यहाँ पे कंफर्म कर दिया है तो अब यहाँ पे जॉब ब्रेकर्स वर्सेस यूपी 70 की टीम यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे डॉक्टर ड्रेड ने पता नहीं शॉट क्यों नहीं लिया, इनके एम में दो दो बंदे थे यहाँ पे. तो कमांडो एंड तो जॉब ब्रेकर्स एंड यूपी 70 की टीम यहाँ पे पिकाचू को कमांडो ने डाउन किया तो इनकी स्नाइपिंग हम देखते हैं. पिकाचू को यहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश है स्पाई कमांडो की, 7 किल ले चुके हैं इस गेम में, 13 किल्स टीम जॉब ब्रेकर के नाम यहाँ पे किल गेम में विच इज़ अ किल गेम जहाँ पे आपको किल लेने पड़ते हैं पॉइंट्स के लिए. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब ब्रेकर ने एग्जैक्टली वही किया है यहाँ पे, तो 13 किल ले चुकी है ये टीम यूपी 70 की जो फाइनल टीम बची है उनके पास एक भी किल नहीं है. तो भाई यहाँ पे आप सोच सकते हो कि जॉब ब्रेकर्स ने क्या डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई है. गनमैन को यहाँ पे फिनिश कर दिया था DWG रेंच ने बट यहाँ पे आप देख सकते हो बट आई डोंट थिंक यूपी 70 इज़ रेडी फॉर दिस टीम राइट नाउ बिकॉज दे स्पेशलाइज इन, यहाँ पे आप देख सकते हो डैमेज लेकर लूट कर रहे हैं तो ये आपको बता सकता है कि ये कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने इसमें. यूपी 70 की टीम जो है वो कोशिश भी नहीं कर रही है फाइट लेने की, पता नहीं क्यों दे आर स्टिल प्लेइंग दैट स्पॉटिंग गेम. दे नो कि यही एक फाइनल टीम बची है. पिकाचू के पास यहाँ पे ऑम भी है बट आई एम नॉट श्योर वाई दे आर नॉट टेकिंग दिस फाइट बिकॉज दे आर आउटसाइड द जोन. ऑफकोर्स दे हैव बोथ द टीम्स आर आउटसाइड द जोन, ओनली वन प्लेयर हैज़ मूव्ड. स्मार्ट स्ट्रैटेजी बाई टीम 16 अपने एक प्लेयर को जो है वो सर्कल में भेज दिया है. इनसेन भी जो है वो आई थिंक सर्कल के लिए रोटेट हो रहे हैं. स्पाइक कमांडो एंड तो इनसेन यहाँ पे थर्ड पार्टी एक एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ही हैज़ रोटेटेड टू द जोन राइट नाउ एंड ही इज़ ट्राइंग टू स्पॉट द गाय. ही आई थिंक ही माइट हैव सीन द प्रॉफिट के पास भी यहाँ पे अलग कार एंड कमांडो तो यहाँ सभी अपनी अपनी अलग अलग कार लेकर रोटेट हो रहे हैं. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यहाँ पे भैया जी जो है वो प्रोन हो गए, सांप बने हुए. खलनायक यहाँ पे ऑग एंड ऑम लेकर यहाँ पे इतनी अच्छी लूट होने के बावजूद यहाँ पे डॉक्टर ड्रेड की तरफ जॉ की टीम जो है वो आई है. पिकाचू के पास भी यहाँ पे ऑग है तो स्पाइक कमांडो को यहाँ पे डाउन किया है तो कमांडो जो है वो यहाँ पे डाउन हो चुके हैं. प्रॉफिट को हम देखेंगे उतर गए गाड़ी से, इनसेन भी यहाँ पर उतर गए तो डॉक्टर ड्रेड की तरफ आई थिंक जॉ इनसेन ने उनको स्पॉट कर लिया है. और यहाँ पे यूपी 70 की टीम मुझे समझ नहीं, ये प्ले मुझे हमारे समझ के बिल्कुल बाहर है गाइस क्योंकि यूपी 70 अगर 7 बंदे बचे हैं
आप नॉक पिका जो दो बंदे डाउन कर रहे हैं, अब अगर पुश नहीं करोगे, व्हाई आर दे नॉट पुशिंग? आई टोटली डोंट गेट दिस, आई टोटली डोंट अंडरस्टैंड दिस। द फोर वर्सेस थ्री का सिचुएशन है, दो बंदे आपने डाउन किए हुए, व्हाई आर दीज गाइज नॉट पुशिंग राइट नाउ? आई टोटली डोंट अंडरस्टैंड इट। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, टोटली नॉट श्योर व्हाई दिस इज गोइंग ऑन, वॉट इज गोइंग ऑन हेयर, आई टोटली डोंट अंडरस्टैंड। जॉ की टीम को ये नॉक कर रहे हैं बट उनको रिवाइव मिल जा रहा है, फोर वर्सेज थ्री की सिचुएशन में आप दो नॉक्स कर रहे हो, एंड यर यू आर स्टिल नॉट पुशिंग। आई टोटली डोंट अंडरस्टैंड वाई आर दे डूइंग दिस। और ओके, अब यहाँ पे भाई मुझे कुछ समझने की जरूरत है यहाँ पे कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि फोर वर्सेज थ्री में आप दो डाउन करके भी पुश नहीं कर रहे हो, तो दिस इज समथिंग फिशी हियर, देयर इज समथिंग फिशी हियर। यूपी 70 की टीम ऐसे खेल रही है, आई टोटली डोंट अंडरस्टैंड दिस। द फोर वर्सेस थ्री का आपका फाइनल सर्कल का सिचुएशन है, यू आर नॉट इन टू गाइस, स्टिल यू आर नॉट पुशिंग अप, आई टोटली डू नॉट अंडरस्टैंड। तो पिकाचू यहाँ पे डाउन हो गए स्पाइक कमांडो के AWM के शॉट से, एंड नाउ आई थिंक समबडी इज गोइंग टू गो एंड गेट हिम रिवाइव्ड एंड गेट किल्ड। आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन आई बिलीव, बिकॉज ये एक बेवकूफ़ी वाला फैसला था यूपी 70 के थ्रू कि आपने जब कमांडो को वापस से डाउन किया यहाँ पे यूपी 70 खलनायक ने, एंड यूपी 70 भैया जो पिकाचू जो वो सर्कल से मर चुके हैं, थ्री वर्सेस थ्री की सिचुएशन है, थ्री वर्सेस टू की सिचुएशन है, और जॉब ब्रेकर की टीम को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। खलनायक कम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे जो कि रोटेट करना, प्रॉफिट इनको प्रॉफिट इनके एंगल में आ सकते हैं पूरी तरह से, एंड अभी भी रिवाइव आप देख सकते हो इतने छोटे सर्कल में भी रिवाइव ट्रेड हो रहे हैं। What is going on here guys? प्रॉफिट को यहाँ पे फ्रैग का डैमेज तो पड़ा है, बट खलनायक यहाँ पे जो है वो सिरिंच यूज़ करेंगे, और ये फाइट जो है इतनी लॉन्ग चलनी ही नहीं चाहिए थी। आई डोंट नो हाउ दिस फाइट इज गोइंग ऑन। डॉक्टर ड्रेड को यहाँ पे स्पाइक कमांडो ने डाउन किया, आप एक एक करके अपनी किल देते जा रहे हो उनको। यूपी 70 की टीम, ये बेवकूफ़ी वाला गेम था पूरा, फोर वर्सेज थ्री का जब टाइम था आपके पास। खलनायक को यहाँ पे ऑन का शॉट आ हुआ था, डैमेज पड़ा है उनको काफ़ी, स्पाई कमांडो यहाँ पे पुश कर रहे हैं, खलनायक को काफ़ी डैमेज पड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम कैसे पलटता है, अब देखो यूपी 70 पे पूरा गेम पलट गया। यूपी 70 को यहाँ पे वाइप करेगी, वाइप अब स्पाई कमांडो को यहाँ पे डाउन किया, किल लेना चाहिए कमांडो का, किल यहाँ पे ले लिया, बट भैया जी के लिए अब ये बेवकूफ़ी जो उन्होंने की है उनकी टीम ने यहाँ पे, बट अब कुछ नहीं कर सकते, ड्रेड डाउन है, जॉ इनसेन एंड प्रॉफिट दे विल क्लीन अप द मेस। जॉब ब्रेकर से ये गेम निकाल लिया है। सो एक फुलिश गेम प्ले यूपी 70 के टीम के थ्रू, जब उनको पुश करना चाहिए था तब उन्होंने नहीं किया, 1-1-1 करके फाइट लिया और अपने सारे किल्स जो है वो जॉब ब्रेकर्स को दे दिए। तो यहाँ पे जॉब ब्रेकर्स निकालती है 17 किल्स के साथ ये चिकन डिनर। सो आई थिंक दे हैव वन द टूर्नामेंट ओवरऑल, 17 किल्स इन अ किल गेम चिकन डिनर, विच इज़ अ ग्रेट ग्रेट परफॉर्मेंस बाय जॉब ब्रेकर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। सो लेट्स जस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट्स नाउ।